हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी, जिसको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या जिसे आप सिविक्स भी कहते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को यहाँ डिस्कस करना। याद रखिए कि जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सब चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इसलिए जितने भी पार्ट्स जो भी आएंगे उसको बहुत ही ध्यान से आप देखें, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली। तो याद रखिए कि बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी वर्ष 1970 में, और वर्ष 1970 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 1970 में मिली थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया के परमाणु परीक्षण शक्ति संपन्न देशों के नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया में परमाणु शक्ति संपन्न जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, ऑप्शन ई में है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी में है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी में है भारत अफगानिस्तान, और ऑप्शन डी में है नेपाल और श्रीलंका। तो हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही पास क्या है, परमाणु शक्ति है, दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन ए क्यों गलत है कि भारत में परमाणु है लेकिन श्रीलंका के पास परमाणु क्षमता नहीं है, और सी में भारत के पास तो है लेकिन अफगानिस्तान के पास नहीं है, तो अफगानिस्तान की वजह से ऑप्शन चला गया। और इसमें देखिए नेपाल श्रीलंका दोनों के ही पास क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न ये देश नहीं है, तो भारत और पाकिस्तान ये दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलोन किसका पुराना नाम है। तो सिलोन जो है ये किस किस देश का पुराना नाम है, तो जानते रहे कि सिलोन जो है ना ये श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिलोन है, और श्रीलंका देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका का पुराना नाम जो है क्या है, सिलोन है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ। तो याद देखिएगा, नेपाल में जो नया संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 2015 में, वर्ष 2015 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नेपाल में जो नया संविधान लागू हुआ वो 2015 में लागू हुआ। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क जिसे दशेत कहते हैं की स्थापना कब की गई। तो याद देखिए, सार्क एक संगठन है, कई देशों का संगठन है, तो कह रहे हैं सार्क जो संस्था है, ये जो ये संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी। याद इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 को, और 1985 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर आया है डी में, तो हमारे यहां डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशेश जिसे सार्क कहते हैं के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। जो सार्क जो संगठन है उसके टोटल कितने देश सदस्य हैं। तो याद रखिए कि सार्क की जो सदस्य देशों की जो संख्या है वो टोटल आपका है 8, और 8 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। जो सार्क संगठन है उस संगठन का कौन देश क्या है, इसका मेंबर है, सदस्य है। देखिए, ऑप्शन ए बी सी और डी आया है, तो याद रखिए जो सदस्य है वो है श्रीलंका, और श्रीलंका देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको कि श्रीलंका जो है सार्क सदस्य का सार जो है संगठन है उसका क्या है, सदस्य यह है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है, सार्क जो संगठन है उसका सदस्य नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए बी सी और डी आया है, तो याद रखिएगा जो सार्क का संगठन नहीं है इन सभी में वो है म्यांमार जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, और भारत इसका सदस्य है, बांग्लादेश भी सदस्य है, और पाकिस्तान भी सदस्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं, कि प्रगति के मार्ग में बाधा है। तो कौन सी चीज़ प्रगति के मार्ग में बाधा है। देखिए, ऑप्शन ए में है सभी सदस्य देशों की शासन प्रणाली में अंतर है, ये बाधा है, या फिर ऑप्शन बी में है एक देश बहुत शक्तिशाली है कोई इसलिए ये बाधा है, या फिर एक देश आतंकवादी गतिविधियों का संचालक है इसमें इसलिए ये बाधा है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सार्क की प्रगति में जो सबसे बड़ा बाधा है ना वो क्या है कि एक देश सार्क का जो है ना वो आतंकवादी गतिविधियों का संचालक है। अब वो एक देश कौन सा है, तो ऊपर देखिए ऑप्शन में आया था कि पाकिस्तान भी क्या है सार्क देश का मेंबर है, तो पाकिस्तान ही तो क्या करता है आतंकवाद को प्रमोट करता है। तो सबसे बड़ी बाधा ये है कि सार्क देश की जो भी उसका संगठन है कि उसमें से एक देश जिसका नाम क्या है पाकिस्तान है, ये आतंकी गतिविधियों का संचालक देश है, और इसकी वजह से सार्क जो संगठन है वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक, फिर आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में किस वर्ष
हुए जन विद्रोह के द्वारा लोकतंत्र वापसी की बहाली हुई। तो याद रखिएगा, नेपाल में जिस वर्ष जन आंदोलन, मतलब लोगों ने आंदोलन, जन आंदोलन के लिए विद्रोह कर दिया था, विद्रोहों के द्वारा लोकतंत्र की जो वापसी की बहाली जो हुई थी, या लोकतंत्र जो फिर से पुनर्स्थापित किया गया था, वो हुआ था वर्ष 2006 में। और 2006 की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दक्षिण एशियाई देश में वर्ष 1968 के गणतंत्र वापसी हुई। तो याद रखिएगा, वह दक्षिण एशियाई देश जिसमें वर्ष 1968 से गणतंत्र की वापसी हुई है, वह देश है मालदीव। और मालदीव देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान में वर्ष 1988 में किसके नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में 1988 में जिसके नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, वह थे बेनजीर भुट्टो। बेनजीर की भुट्टो जो थी, ये लीडर थी, इनके नेतृत्व में पाकिस्तान में वर्ष 1988 में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जनरल जियाउल हक ने पुनः पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू किया। तो याद रखिएगा, जिस वर्ष जनरल जियाउल हक ने पुनः पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू कर दिया था, वह वर्ष था 1977। और 1977 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1947 से 1971 तक कौन सा दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान का अंग था। तो याद रखिएगा, 1947 से लेकर 1971 तक वह दक्षिण एशियाई देश जो पाकिस्तान का भाग था, वह था बांग्लादेश। और बांग्लादेश देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम स्वरूप किस नए देश का उदय हुआ। तो याद देखिए, 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जिस नए देश का जन्म हुआ था, वह था बांग्लादेश। और बांग्लादेश देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1975 में संविधान के बाद बांग्लादेश ने किस शासन प्रणाली को अपनाया। तो याद रखिएगा, 1975 में संविधान के बाद बांग्लादेश ने जिस शासन प्रणाली को अपनाया, वह थी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सात दलों के गठबंधन के नेतृत्व में हुए सफल आंदोलन के फलस्वरूप किस देश के राजा को संसद बहाल करनी पड़ी। तो याद रखिएगा, सात दलों के गठबंधन के नेतृत्व में हुए सफल आंदोलन के फलस्वरूप जिस देश के राजा को संसद बहाल करनी पड़ी थी, वह देश था नेपाल। और नेपाल देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का जातीय संघर्ष एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने की मांग करता था। तो याद रखिएगा, जिस देश का जातीय संघर्ष जो है एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने की मांग करता था, वह था श्रीलंका। श्रीलंका देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष के पश्चात उग्र तमिल संगठन लिट्टे एवं श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, जिस वर्ष के बाद उग्र तमिल संगठन और लिट्टे एवं श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संगठन की जो संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी, वह हुई थी वर्ष 1983 में। 1983 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि तमिल का एक संगठन है जिसका नाम क्या है, लिट्टे है, इसकी और श्रीलंका सेना के साथ एक क्या मुठभेड़ हुई थी। ये हमें पता है कि जो तमिल है वो भारत का पार्ट है और श्रीलंका की सेना, इन दोनों ये इस संगठन और इसके बीच में संघर्ष एक हो गया था। ठीक, बाद में क्या हुआ, भारत सरकार को भी इसमें बीच में आना पड़ा, फिर जाकर ये संघर्ष क्या हुआ, फिर रुका। ठीक, तो ये संघर्ष कब हुआ था, तो कह रहा है 1983 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकासशील देशों में किस देश को जनसंख्या नियंत्रित करने में प्रथम स्थान प्राप्त है। तो जानते हैं वह विकासशील देश जिसे जनसंख्या नियंत्रित करने में प्रथम स्थान मिला है, वह देश है
श्रीलंका, और श्रीलंका देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह विकासशील देश जिसे जनसंख्या नियंत्रित करने में प्रथम स्थान प्राप्त है वह है श्रीलंका। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1947 से 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात कश्मीर कितने भागों में विभाजित हो गया। तो याद रखिएगा 1947 से 48 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद कश्मीर जो है वो डिवाइड हो गया था, वो दो भागों में बट गया था, और दो भाग दिखाया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक के सहयोग से भारत एवं पाकिस्तान के सिंधु नदी जल का समझौता किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा विश्व बैंक के सहयोग से भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल का जो समझौता हुआ था वह हुआ था वर्ष 1960 में, और वर्ष 1960 देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश भारत के लुई ईस्ट एवं वर्ष 2011 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। तो जानते हैं कि वह देश जो भारत के लुक ईस्ट, जो भारत के लुक ईस्ट एवं 2011 के एक्ट ईस्ट नीति का जो हिस्सा है वह देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वह देश जो भारत के लुक ईस्ट, जो भारत के लुक ईस्ट एवं वर्ष 2011 से एक्ट ईस्ट नीति का जो हिस्सा रहा है वो कौन देश रहा है, वो बांग्लादेश रहा है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस देश में सुनामी के बाद सहायता प्राप्त की गई। तो याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा जिस देश को सुनामी के बाद सहायता प्रदान की गई थी भारत सरकार के द्वारा वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों एवं गुरिल्ला समूहों को किस देश द्वारा बाहर भगा दिया गया। याद रखिएगा वह देश है भूटान, और भूटान देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों एवं गुरिल्ला समूहों को जिस देश द्वारा बाहर भगा दिया गया है वह देश है भूटान। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, इसका मतलब हमें मैच कराना है। देखिए सूची वन से सूची टू को हमें क्या करना है, मैच कराना है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन जो दिए गए इनमें जो भी यहाँ टाइम दिया गया है हमें उस समय उस घटना को उस समय समय मैच कराना है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना ये कब हुई थी। तो याद रखिएगा ये जो हुई थी वो हुई थी वर्ष 2008 में, और दो वर्ष 2008 है ऑप्शन नंबर थ्री में, तो हम थ्री से मैच करा देंगे। फिर देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है कि नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय, जो नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1971 को, और 1971 दिखे है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन कह रहा है कि नेपाल का नया संविधान तो कब बना था, तो जानते रहिएगा नेपाल का जो नया संविधान बना था वो वर्ष 2015 में बना हुआ था, और लास्ट ऑप्शन है भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था वो हुआ था 1998 में, और 1998 देखिए एक ही ऑप्शन है हमारा है, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ ऑप्शन को मैच करें तो ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिखाया है ए को किससे मिलाया गया है, ए को मिलाया गया थ्री से, बी को मिलाया गया वन से, सी को मिलाया गया फोर से, और डी को मिलाया गया टू से, तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मे बी ये भी आपको क्वेश्चन क्या हो गया समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की तैयार रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को आप लाइक तो कर ही दिया करें। तो चलिए आज की तैयार रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।